कक्षा 12वीं कृष्ण फैली आपका विषय हिंदी के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि हिंदी विषय पे लाओ, तो पहले आपके यहाँ पर हिंदी विषय पे आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंड तक देखना है क्योंकि संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर पेपर कराने वाली हिंदी विषय का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं, ठीक है। पूर्णांक आपका 80 अंक रहेगा, समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ध्यान से देखना है, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है, शब्द सीमा आपकी 30 शब्द है। फिर आपका यहाँ पर चौथा निर्देश आता है 5वां, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर हिंदी के पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो जो लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। तो चलिए आपका यहाँ पर जो पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आपके पहले आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो पहला था इलाहाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो आपका था जयशंकर प्रसाद, बात आपका आगे, और साथ आपका हरिवंश राय बच्चन, और दाता आपका महादेव वर्मा। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया इलाहाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है और ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं, ठीक है। और साथ ही आपका यहाँ पर दूसरा आता, दिन जल्दी जल्दी ढलता गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो आपका था मधुशाला, और बात आपका, ठीक है, मिलन यामिनी, और आपका साथ निशा निमंत्रण, और दात आपका मधु कैलाश। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया दिन जल्दी जल्दी ढलता गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा, निशा निमंत्रण। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका था भक्तिन पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो आपका था कहानी, बात आपका आलेख, साथ आपका रेखाचित्र, और दाता लेख। तो भक्तिन पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रेखाचित्र हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथा आता बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, आकर्षक वस्तुएँ, बाता उपहार की वस्तुएँ, और साथ आपका उधार की वस्तुएँ, और दाता उपहार की वस्तुएँ। तो यहाँ बाजार, ठीक है, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका आकर्षक वस्तुएँ। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, 5वां आता है यशोदा बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे, तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा, सादगी पूर्ण। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर 6वां आता अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं वो आपके 8 होते हैं, तो 8 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। और साथ ही अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न द्वातर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, मैं अधिकतर डॉट डॉट लिए फिरता हूँ, ठीक है, निःशेष, और बात आपका विशेष, तो मैं मदकता निःशेष लिए फिरता हूँ, तो निःशेष आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता, मैं बना बना, ठीक है, कितने जग रोग, ठीक है, रोज मिटाता हूँ, मैं डॉट डॉट अलंकार है, तो जो आपकी पंक्ति दी गई, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, इसमें बताना कौन सा अलंकार रहेगा, तो इसमें जो आपका अलंकार रहेगा वो आपका रहेगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका जो यहाँ पर आता है, मेरे भ्रमण की एकांत साथिन डॉट डॉट ही रही है, तो मेरे जीवन की, ठीक है, एकांत साथिन, ठीक है, भक्तिन ही रही है, तो भक्तिन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता चौथा परिमित, ठीक है, परिमित शब्द का अर्थ डॉट डॉट होता है, तो यहाँ परिमित शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका सीमित। फिर आपके यहाँ पर आता है 5वां, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डॉट कहलाते हैं, तो यहाँ पर वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। फिर आपका आता 6वां, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी डॉट डॉट हो गई, तो यहाँ पर आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी, ठीक है, सुस्त हो गई, तो सुस्त आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कम्प्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता, सत्ता सत का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो बच्चे प्रत्याशा में निर्णयों से झांक रहे होंगे, तो पहला जो आपका रहेगा, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, पहला आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया संघर्ष के, ठीक है, 3 भेद हैं, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, चौथा सत्य असत्य, तो आपका यहाँ पर चौथा सत्य असत्य आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए बाजार दर्शन, ठीक है, पाठ की, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पाठ की रचनाकार महादेव वर्मा है, तो आपका यह यहाँ पर असत्य रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो आपका यह यहाँ पर रहेगा सत्य।
और जो आपका यहाँ पर दिया गया है 6 माह सिल्वर वेडिंग या उत्सव विवाह की 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर ये सत्य रहने वाला है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 17 सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 4 आता है, आपके सही जुड़ी बनाकर लिखी आपकी 7 नंबर की आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्तंभ अवबा में दी गई सही जुड़ी पहली आती है कविता के बहाने, तो कविता के बहाने आपकी कुंवर नारायण हो जाएंगी। फिर दूसरी आती है आपकी मधुशाला, तो मधुशाला को आपको हरिवंश राय बच्चन से मैच करना है। फिर जो आपकी तीसरी आती है तीन तिरह होना, तो इसका आंसर रहेगा बिखर जाना, ठीक है। फिर आपकी जो चौथी आती है पहलवान की ढोलक, तो पहलवान की ढोलक को आपको फड़ी से नाथ डेडू से मैच करना है। फिर जो आपकी आती है उपमेय में उपमान से श्रेष्ठ, तो इसको मैच करना है आपको, ठीक है, व्यतिरिक्त अलंकार से। ये आपकी 5वीं हो जाएगी। जो छवीं आती है ओम थानवी, तो ओम थानवी को मैच करना है आपको अतीत में दबे पाँव से, ये आपकी 6वीं रहेगी। और 7वीं आती है मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो इसको आपको शब्दों का स्तर उससे मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जुड़ी वो मैच हो जाती हैं, जो कि 7 नंबर की थी। अब प्रश्न 5 आता है आपका, एक है सदभाग मोहता दी 7 नंबर के आते हैं, तो फिर आता बच्चे निरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो यहाँ बच्चे ठीक है निरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, तो सुनहरे सूरज आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है, सुनहरे सूरज। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए भाव सागर में कौन सा अलंकार है, तो भाव सागर में आपका रहेगा रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, रूपक अलंकार, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर जो आप यहाँ पर देख लीजिए जेठ का पुत्र क्या कहलाता है, तो यहाँ पर ठीक है जेठ का पुत्र जिठौत कहलाता है, तो जिठौत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए रोजी रोटी की तलाश में आए यशोदर पंत को किसने शरण दी, तो इसका आंसर रहेगा किशनदा ने, ठीक है, किशनदा आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है, तो यहाँ पर संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है, तो अखबार आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को कहा जाता है बेगास, ठीक है, बेगास आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक सतबाक में होता वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका यानी जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। आप प्रश्न आपका 6 आता है प्रगतिवाद की कोई दुविशेषताएँ प्रवृत्तियाँ लिखिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी प्रगतिवाद की दुविशेषताएँ, दोस्तों के प्रति सहानुभूति, ठीक है, और सामाजिक यथार्थ का चित्रण है। तो इस तरह से आपकी दुविशेषताएँ यहाँ पर हो जाती हैं, उनका जो आपका यहाँ पर इसका वर्णन भी यहाँ पर जो इसका विवरण दिया गया है इनको भी याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा नई कविता की दुविशेषताएँ प्रवृत्ति लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए शीतलबाड़ी में आग होने के क्या अभिप्राय है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। और साथ ही जो आपका इसका अथवाला दिया गया, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन अपने मन में किस तरह का संशय लिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया था शीतलबाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय, कवि ने यहाँ ठीक है विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया, इस का आशय है कि कवि अपने शीतल और मधुर आवाज़ में ही जोश आत्मविश्वास साहस दृढ़ता और जैसी भावनाएं रखते हैं ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर जो इसका अथवाला आता है कवि हरिवंश राय बच्चन अपने मन में किस तरह का संशय लिए फिरते हुए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया रस की परिभाषा देते हुए रस के उसके भेद लिखिए, तो जो आपकी रस की परिभाषा रहेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो रस के आपके जो अंग हैं वो आपके 4 होते हैं, लेकिन आपके रस के यहाँ पर भेद पूछे हैं, तो आपको लिखना श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, ठीक है, वीर रस, पूरा आपको यहाँ पर 72 रस तक आपको पूरे यहाँ पर याद करना है, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया संचारी भाव और ठीक है स्थायी भाव, संचारी भाव में अंतर लिखिए, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए फिर जो आपका यहाँ था भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ए रही आपकी भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए भ्रम, बस जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आपको याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसका अथवा वृद्धावस अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता है रेखाचित्र और संस्मरण में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ए रहा आपका रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर,
ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है और संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है। रेखा चित्र में लेखक तटस्थ रूप अपनाता और संस्मरण में लेखक का ठीक घटना से निकट संबंध होता है। और इसका तीसरा अंतर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इस तरह से रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो इसका अथवा आता ठीक है दसवीं का, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता ग्यारहवा, भक्त इनके आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई, इसका अथवा आता बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं भक्त इनके आ जाने से महादेवी ठीक है देहाती कैसे हो गई, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ए आपका इसका आंसर। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। महादेवी भक्त इनको नहीं बदल पाई, पर भक्त इन ने महादेवी को बदल दिया। ठीक है, भक्त इन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर भक्त इन की तरह देहाती बन गई, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं बारहवा प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका बारहवा प्रश्न आता है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित आपको लिखना है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है किसी भी विषय में संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से चर्चा के लिए होता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण हो जाएंगे आपके गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण। ठीक है, आपके उदाहरण हो जाते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया यशोधर बाबू के चरित्र की दो विशेषताएँ लिखिए, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएँ दी गई हैं, वे कर्मकांड के खिलाफ थे और वे खुशी बगम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ ठीक जाते थे। और आप इसका तीसरा यहाँ पर देख लीजिए, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, तो आपको यहाँ पर कोई दो याद कर लेना। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर दिया जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की दो विशेषताएँ लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका चौदहवां था इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया इंटरनेट पत्रकारिता एक ऐसा शब्द है जो समाचार पत्रों या पत्रिकाओं या टेलीविज़न या रेडियो के बजाय इंटरनेट पर ही जाने वाली रिपोर्टिंग को दर्शाता है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इंटरनेट की दो विशेषताएँ लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप कहते हैं रस की आवश्यक तत्व कौन कौन से लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए रस के आपके चार आवश्यक तत्व हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आपका इसका अथवा आता शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके भेद का नाम, ठीक है, भेदों के नाम लिखिए। फिर आपका आता सोलहवां, हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर साय का साहित्य पचन निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए, आपको कोई दो रचनाएँ लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी दो रचना जो आपके यहाँ पर दिया गया रघुवीर साय, तो रघुवीर साहब का साहित्य पचन हम देखने वाले हैं, तो आप यहाँ पर दो रचना देख लीजिए। ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में और आत्म, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध, और इसकी तीसरी रचना भी आपकी दी गई, तो यहाँ से कुछ दो रचना याद कर लेनी है। और इनका भावपक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, भावपक्ष आपका कला पक्ष यहाँ पर रहेगा रघुवीर साहब का, तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना। रघुवीर साहब ने समकालीन समाज के मध्यम वर्गीय जीवन का है यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने काम में समकालीन सामान में फैले भ्रष्टाचार की प्रत्येक गतिविधि पर ठीक है मार्मिक वर्णन किया है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना, साथ ही नीचे भी आपका दिया गया, तो इसको याद कर लीजिएगा। और साथ ही इनका साहित्य में स्थान है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ये आपका साहित्य में स्थान हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया महादेव वर्मा अथवा जयंत कुमार का साहित्य की पचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए, तो जो महादेव वर्मा है, तो महादेव वर्मा का हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर साहित्य की पचय, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इनकी रचना रहेंगी आपकी निहार नीरजा। ठीक है, और इनका भावपक्ष और आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, भावपक्ष और आपके यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आपको यहाँ पर याद करना, और कलापक्ष भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका कलापक्ष रहेगा और ये आपका यहाँ पर भावपक्ष रहेगा और ये आपकी दो रचना है। ठीक है, और साथ ही आपका इनका साहित्य में स्थान क्या रहेगा, आपको लिख देना है कि हिंदी जगत में महादेव वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह से आपका साहित्य में स्थान लिख सकते हैं। फिर आपका आता है भाव पालन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों जगत की प्रभावित सत्य हैं, इसका अथवा था विलंब से कक्षा पहुँचने पर शिक्षक छात्र संभाल लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, फिर आपका 19वां आता है, तो 19वां आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आपटित गद्यांश दिया गया है, तो इसके आपके तीन प्रश्न आते हैं, उपयुक्त गद्यांश का उपयोग, ठीक है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए, और इसका दूसरा आता है जो दूसरा प्रश्न देख लीजिए, तीसरा, इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे, सिर्फ आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। फिर इसका आपका अथवा आता है, आपसे यहाँ पर गद्यांश नहीं बनता है तो आप यहाँ पर काव्यांश कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी आपको यही करना, तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी काव्यांश मिल जाएंगे, और इसमें बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको जो प्रश्न दिए गए इनके आंसर आपको इसी में ढूंढना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका 20वां आता है, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, तो जो आपके यहाँ पर दिया मैं इस नेश्वर का पान किया करता हूँ,
ठीक है। तो ये इसकी संदर्भ प्रसंग की व्याख्या वो आपको यहाँ पर करनी है, और साथ ही आप इसका थोड़ा देख लीजिए यहाँ आपका कई समात है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग की व्याख्या लिखिए। भक्ति नो मेरे जीवन में ठीक सेवक स्वामी के संबंध है या कहना कठिन है, इस तरह से दिया गया। तो इसका संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है आपको, इसका थोड़ा देख लीजिए। फिर 22वां प्रश्न आपका आता है 23वां, तो इस तरह से आपका हिंदी पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके 4-4 नंबर के प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।